नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। गदर 2 तो अब जैसे हर दिन बॉक्स ऑफिस का साइज चेक करने के मिशन पर लग चुकी है। हर दिन फिल्म की कमाई एक ऐसे नए लेवल पर पहुंच रही जिसकी संभावना भी एक साल पहले तक लोगों को नहीं थी। बॉलीवुड के लिए ये साल यादगार होने जा रहा है क्योंकि पठान के बाद अब गदर 2 भी 500 करोड़ के टारगेट को पार करने के लिए तैयार नजर आ रही है। सनी देओल की गदर 2 ने पहले दिन से ही ऐसी कमाई करनी शुरू की कि रिकॉर्ड्स हवा होते चले गए। अब 10 दिन में फिल्म ने ऐसा कमाल कर डाला है जिसकी उम्मीद भी किसी को नहीं रही होगी। 8 दिन में ही 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी गदर 2 अब सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म पठान को डायरेक्ट टक्कर देने के लिए तैयार है। शुक्रवार से गदर 2 का बॉक्स ऑफिस पर दूसरा हफ्ता शुरू हुआ और नए हफ्ते के पहले दिन ही फिल्म ने 20 करोड़ रुपए से ज्यादा कलेक्शन किया। शनिवार को फिल्म ने 50 से ज्यादा जंप के साथ 31 करोड़ कमा डाले। अब ट्रेड रिपोर्ट्स बता रही हैं कि संडे को फिल्म ने एक बार फिर से तगड़ा जंप लिया है। ट्रेड रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस रविवार गदर 2 ने शुक्रवार के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा कलेक्शन किया है। सनी देओल की फिल्म ने 10वें दिन 38.90 करोड़ रुपए कमाए हैं। अब तक फिल्म का टोटल कलेक्शन 375 करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है। शुक्रवार, शनिवार और रविवार का कलेक्शन मिलाकर गदर 2 ने अपने दूसरे वीकेंड में 90 करोड़ रुपए से ज्यादा कलेक्शन कर लिया है। इसके साथ ही सनी देओल की फिल्म ने बाहुबली 2 का 6 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है जो पठान भी नहीं तोड़ पाई थी। बाहुबली 2 ने दूसरे वीकेंड में 80 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन किया था जो किसी भी हिंदी फिल्म के लिए एक रिकॉर्ड था। आमिर खान की दंगल इसके बाद दूसरे नंबर पे थी जिसका सेकेंड वीकेंड 71 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन लेकर आया था। द कश्मीर फाइल्स के लिए ये आंकड़ा 70 करोड़ से ज्यादा था जबकि पठान ने दूसरे वीकेंड में 63 करोड़ से ज्यादा कमाए थे। सनी देओल की गदर 2 अब इन सभी फिल्मों से कहीं आगे है और इसका ये रिकॉर्ड बहुत लंबा टिकने वाला है। गदर 2 जैसी कमाई कर रही है उस हिसाब से इसका डायरेक्ट मुकाबला शाहरुख खान की पठान से है। शाहरुख की फिल्म गदर 2 से कहीं ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज हुई थी सिर्फ हिंदी वर्जन से। पहले 10 दिन में पठान का कलेक्शन 364 करोड़ रुपए से ज्यादा था। अब 375 करोड़ रुपए के साथ गदर 2 की 10 दिन की कमाई इससे ज्यादा हो गई है। पठान के सिर्फ हिंदी वर्जन का कलेक्शन 524 करोड़ रुपए था। अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि गदर 2 इस आंकड़े तक पहुंच पाती है या नहीं। बॉलीवुड की 10 सबसे कमाऊ फिल्मों में पहले ही शामिल हो चुकी गदर 2 अब टॉप पोजीशन की तरफ बढ़ती जा रही है। संडे के कलेक्शन के बाद इसने टाइगर जिंदा है, पीके और संजू को भी पीछे छोड़ दिया है। अब पठान और दंगल के बाद गदर 2 बॉलीवुड की तीसरी सबसे कमाऊ फिल्म बन गई है। गदर 2 अब जल्द ही बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ का विशाल आंकड़ा पार करने वाली है। लेकिन ये देखना दिलचस्प हो गया है कि क्या सनी देओल की फिल्म यहां भी पठान से आगे निकल पाएगी। पठान अब तक 400 करोड़ क्लब में पहुंचने वाली सबसे फास्ट फिल्म है। इसने 12 दिन में ही ये माइलस्टोन पार कर लिया था। बाहुबली 2 को 400 करोड़ कमाने में 15 दिन लगे थे और यश की KGF 2 को ये कमाल करने में 23 दिन का समय लगा था। गदर 2 का 10 दिन का कलेक्शन 375 करोड़ रुपए है यानी पठान का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए इसे मंडे को 25 करोड़ का कलेक्शन करना होगा। गदर 2 के लिए फिलहाल ऐसा करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अगले 2 दिन में बहुत शानदार कलेक्शन हो तो सनी की फिल्म 12 दिन में 400 करोड़ तक पहुंच सकती है। यानी बेस्ट चांस ये है कि गदर 2 पठान का ये रिकॉर्ड बराबर कर सकती है। सनी की फिल्म के लिए अब 500 करोड़ का आंकड़ा भी दूर नहीं नजर आ रहा, लेकिन इसके लिए इस हफ्ते के वर्किंग डेज में इसे बहुत धुआंधार कमाई करनी होगी। ऐसे में ये देखना दिलचस्प हो गया है कि गदर 2 शाहरुख की फिल्म को पछाड़ कर बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म बन पाती है या नहीं। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है और आप कितना पसंद करते हैं सनी देओल को और उनकी फिल्म गदर 2 को आपने देखा है या नहीं देखा है, इसे लेकर आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा है ये भी हमें बताइए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही और दर्श न्यूज़ को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ ही अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।